हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं अभी तो, सो अ वॉर्म वेलकम टू एवरीबडी। गुड इवनिंग। एंड सो वी आर स्टार्टिंग विद द योगिक ब्रेथ मेडिटेशन। सबसे पहले तो आज हम लोग सचिन जी के बारे में कुछ उनसे सवाल करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सचिन जी जो हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो उनका जो काम है, ही इज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। वो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं एंड उसके अलावा ही इज वर्किंग इन वेरियस एनर्जी फील्ड्स। एनर्जी फील्ड मीनिंग एक्सेस कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस के फैसिलिटेटर हैं। उसके अलावा ही इज इनटू न्यूमरोलॉजी, ही इज इनटू रेकी एंड ही इज इनटू मल्टीपल थिंग्स, ही इज इनटू योग। So we'll start with Sachin. Yeah. So sir, Sachin ji, आप बताइए कि how did you come across all this? मतलब what got you into all this? I would like to start with some details. जैसे आपने stock market कहा, would be very specific कि I'm a research analyst in a stock market. So, एक रिसर्च एनालिस्ट का जो काम रहता है, आई थिंक इफ ही डजंट यूज हिज राइट ब्रेन इट इज ओके, इट इज प्योर अ लेफ्ट ब्रेन जॉब। सो इट इज प्योर लॉजिक, प्योर रिसर्च एंड प्योर ऑफ कैलकुलेशंस, मल्टीपल कैलकुलेशंस, पैसा आ रहा है जा रहा है, किसके पास से आ रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इट वॉज ऑल ऑफ लाइक दैट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स में यही कर रहा हूँ। एंड किधर तो मुझे ऐसा फिर जरूरत लगा कि आई थिंक किधर तो बोलता है ना कि जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलूं, आई थिंक देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव जॉइंड फ्रॉम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज वेल, दे आर ट्रेडिंग। सो एक कंसोलिडेशन फेज आ गया था कि बोलते ना कि एक अगर मेरे लाइफ में एक ऐसा अप ट्रेंड था, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो कहीं तो एक प्लेटू हो गया था, साइडवेज एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कि अभी और ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, कहाँ अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, बट एक प्लेटू होने के बाद में और कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद प्लेटू होने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता ना कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये काफी चीजें मुझे खा रही थी। तो मतलब कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, वॉट एल्स, वॉट एल्स, वॉट एल्स। सो तो मतलब कुछ जवाब तो आया नहीं, ऐसा ये कुछ जादू तो है नहीं कि बस मैंने अभी पूछ लिया व्हाट एल्स तो अचानक से कुछ दीवार फाड़ के या छप्पर फाड़ के कुछ मुझे आंसर मिल जाए। सो इट टुक टाइम, बट वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। ही वाज माय टीवाई बीकॉम टीचर। सो ही टोल्ड कि अरे मैंने योग सीखा है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है एंड बदलापुर में, आई स्टे इन एरोली, तो तुम ज्वाइन करना चाहोगे क्या? तो आई लाइक सर, लेकिन ये तो मैं स्टॉक मार्केट का कर रहा हूँ, योग वोग कहाँ मुझे जमेगा। सो अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ मैं योग क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली ये वेस्टर्न स्टाइल बहुत हो गया है, योगा योगा मैट्स वैट्स लेके भागो मत एकदम स्टाइल वाइज में, ठीक है? तो एक्चुअली योगा, जब भी हम लोग योगा बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, इट इज ओनली अबाउट एक्सरसाइज। तो एक्चुअली योगा इज नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज, इट इज अबाउट मल्टीपल थिंग्स। तो इसके लिए मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, मैं योग यूज कर रहा हूँ। तो योग एक कंप्लीट वर्ड है, एक हिंदुस्तानी वर्ड है, हमारे भारत का है ना, यहाँ से जन्मा है। और इसके पीछे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, अगर मैं अष्टांग योग की बात करूँ तो जो सूत्र है पतंजलि के, तो उसके अंदर 195 सूत्र है। और अगर एक्सरसाइज के रिलेटेड सूत्र मैं पढ़ूँ तो इट इज ओनली 4। तो सिर्फ 4 सूत्र उन्होंने डेडिकेट किया है सिर्फ एक्सरसाइज रिलेटेड, और बाकी सारे सूत्र डिवाइड किए उन्होंने अष्टांग योग जिसको बोलते हैं 8 सूत्रों में और अलग अलग टाइप के, ठीक है? वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज दिस सेशन इज नॉट अबाउट दैट, बट एक मैं जस्ट बताना था कि आपको कि अगर वो इतने बड़े ऋषि है पतंजलि ऋषि और उन्होंने सिर्फ 4 सूत्र डेडिकेट किए हैं योग के एक्सरसाइज रिलेटेड, तो आप सोचो कि योग कितना वास्ट है। सारी आपकी एनर्जीज, इट वर्क्स ऑन योर बॉडी, इट वर्क्स ऑन योर ब्रेथ, इट वर्क्स ऑन योर
योर मन, आपका मन, आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इट वर्क्स एवरीवेयर. तो यही मैं बताना चाहता था कि क्या होता है कि यहाँ पे तीन चीज वर्क करती है, तीनों चीज के ऊपर साइमल्टेनियस अटैक होता है. एंड इट इज अबाउट, फर्स्ट इज योर माइंड, बॉडी एंड सोल. सोल इज द लास्ट पार्ट. तो पहले आपको पहले माइंड को प्रिपेयर करना है, फिर बॉडी प्रिपेयर होगी. इट इज नॉट अबाउट उल्टा कि पहले बॉडी को आप प्रिपेयर करोगे फिर माइंड, है ना. पहले आपको माइंड को पहले प्रिपेयर करना है कि आपको योग करना है, योग सीखना है, है ना. इट इज नॉट वाइस वर्स. हमें ना जब योगा बोलते तो इसलिए मैं बोला, लोग खाली बॉडी के बारे में सोचते हैं. और है ना, फिर उसमें क्या हो जाता है कि जो ओल्डर जनरेशन रहती है, जो आई थिंक 50 क्रॉस हो जाते हैं या 60 क्रॉस हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे लिए नहीं है, है ना. तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं भी कर पाओ तो कोई चिंता नहीं है, है ना. तो वो आपके लिए भी है. तो ऐसा मत समझो कि इट इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, खाली जो यंग लोग है वही कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. तो इसके लिए मेरे को बताना जरूरी पड़ा कि वो फोर जो होते हैं सूत्र, खाली फोर सूत्र ही डेडिकेटेड है. हाँ. तो उन्होंने मुझे फोन किया एंड फिर मैं बोला ठीक है. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे और दो फ्रेंड्स, लाइक मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, तरुण एंड घनश्याम, आई थिंक वो जॉइंट है, आई डोंट नो. तो ये दोनों भी साथ में थे. तो ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है. तो मुझे ना काफी मतलब पुश मिला है कि अरे यार इन लोग भी कर रहे, चलो मैं भी कर लेता हूँ. तो ये मैंने वहां से मेरा ये स्टार्ट हुआ. और ये पूरा वन ईयर का डिप्लोमा कोर्स था और ये सैटरडे संडे था, इसके लिए मैं कर पाया बिकॉज स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे चलता नहीं है. तो लकीली मुझे सैटरडे संडे छुट्टी है एंड ये मैं इसको परस्यू कर पाया. राइट. और एक्चुअली इसने मेरा लाइफ चेंज किया है, क्योंकि जब मैं ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे वर्क करना स्टार्ट किया, यहाँ से सोचना स्टार्ट किया राइट साइड से, तब मेरे जो लिमिटेशंस थे, फिर मुझे समझ में आया कि अरे मैं डिसिप्लिन कहीं कहीं जगह पे नहीं हूँ. और वो डिसिप्लिन सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं था. तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप लाइफ में डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता है, है ना. तो वो पार्ट मेरे ऑटोमेटिक खुलने लग गए. तो मेरे रिलेशनशिप फ्लरिश होने लग गए. तो रिलेशनशिप विद एवरीवन, रिलेशनशिप माय वाइफ, माय फैमिली, माय बॉस, है ना, माय क्लाइंट्स, वो ऑटोमेटिक जैसे ही वो फ्लरिश होने लगे, मेरे अदर पार्ट्स ऑटोमेटिक, जैसे बोलते ना फाइनेंस, फिर फाइनेंस भी मेरा अच्छा होने लग गया. फाइनेंस अच्छा होने लग गया तो, और योग कर रहा हूँ तो हेल्थ तो ऑलरेडी अच्छा ही है, है ना. राइट. तो ये तीनों पार्ट में मेरे लाइफ में एक बोलते ना छू गया योग. तो इसके लिए ये चीज मैं शेयरिंग, लाइक अभी मैं सीखा हूँ, इसके लिए मैं शेयरिंग रिलेटेड मैं अभी कुछ आपके थ्रू, अभी थैंक यू टू यू कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ. एंड मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी जो करना चाहता था ये साइड ऑफ द पार्ट में. लोग अभी भी चाहते हैं मुझे कि नहीं तुम कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड बोलो, वो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है. लेकिन जो मैं बोल सकता हूँ वो ऑफकोर्स मैं जरूर कहूंगा उसके रिलेटेड. थैंक यू टू यू कि आपने मुझे मौका दिया. अरे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. क्या आप कुछ ऐसे टैंजिबल चीजें बता पाओगे कि आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए योग के बाद, लाइक स्पेसिफिकली कुछ बहुत ही मतलब कुछ स्पेसिफिक चेंजेस? तो मैं ना ऐसा कुछ रोजी स्टोरीज नहीं बताऊंगा या जो है, क्योंकि ना देखो मैंने जो काम किया हुआ है मैं बता रहा हूँ. राइट. तो जैसे मैंने कहा ना आपको कि मेरा रिलेशनशिप विद माय क्लाइंट्स फ्लरिश्ड, माय बॉस फ्लरिश्ड, है ना. एंड तो इससे अच्छा और क्या चाहिए कि वहां पे आपका तो फाइनेंस रिलेशन है, आप समझो. रिलेशन तो बनता ही है, लेकिन रिलेशन अगर आपका अच्छा हो तो आपको ऑटोमेटिक फाइनेंस वहां से रिलीज होना चाहता है. वो एक ब्लॉक होता है, तो वो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक जब रिलीज हो जाता है तो वहां से ऑटोमेटिक एक फ्लो क्रिएट हो जाता है. राइट. वो फ्लो क्रिएट हो गया तो वो बता ना, रिजल्ट में ये कहूंगा कि अगर आप योग के थ्रू कुछ भी करो तो आपको रिजल्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं कि रातों रात मिल जाएगा. तो जिसको एक हम लोग मराठी में एक मन बोलते हैं कि तुक खा ले और रूप यत नहीं, ठीक है. तो जैसे अभी घी का हम लोग सेवन करते हैं तो तुरंत ही आपको आपकी बॉडी बन जाएगी या फिर आपको बहुत उसका नजर आ जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है. तो वो एकदम फंडामेंटल चीज है, इट टेक्स टाइम, है ना. बिल्कुल. तो वो उस तरीके से धीरे धीरे काम करता है. बट एक है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप योग करते रहो, ठीक है. योग का मेरा मीनिंग है कि आप प्रैक्टिस करो यम नियम, है ना, ये भी एक पार्ट है. तो अगर आप ये भी प्रैक्टिस करें, है ना, तो भी आपकी लाइफ है ना मेरे हिसाब से 40-50% चेंज होगा. एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो,
मुझे और एक चीज कहना था कि जैसे आपने मेरे नाम के आगे योगी लिखा तो बहुत लोग स्केप्टिकल थे कि अरे ये योगी ये कहाँ से योगी बन गया, ठीक है, क्यों नहीं, उसमें क्या है। नहीं नहीं तो ना मैंने एक्चुअली इसका ना फाइंड आउट किया कि ये योगी होता क्या है, मतलब हु इज बीन कॉल्ड और अथॉरिटी टू बी कॉल्ड एज योगी, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही मैंने ये फाइंड आउट किया तो मुझे पहला अंतर यह है कि जो योग करता है, बिल्कुल जो बिल्कुल, योग बिल्कुल। करता है, तो आप भी योगी हो अगर आप योग करते हो, अगर कोई लेडीज है तो उनको योगी नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो योग बिल्कुल, योगी अगर कोई मेल है योगी नहीं, ठीक है, तो अगर कोई फीमेल है तो वो भी अपने नाम के आगे योगी नी या योगी लगा सकते हैं, है ना। Right. लेकिन मेजरली हम जो समझते हैं, जो हमारे पार्ट बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ ब्रेन में योगी वर्ड एसोसिएटेड है, इट इज लाइक सन्यासी, मेडिटेटर हु हैज रिनाउंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हम उनको भी योगी कह सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा है योगा, है ना, और जो सन्यासी ऑफ कोर्स वो तो योगी है ही, तो देयर इज नो डाउट। तो ये दोनों का डिफरेंस भी मुझे बताना था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और एक चीज है, जैसे भाई मेरे को इसको कोरिलेट करना था कोई चीजों से, जैसे आपने कहा कि और क्या चेंज हुआ जी। तो पहले क्या होता था कि जब मैं मेरे माइंड को कुछ भी कहता करने को तो वो नहीं करता। राइट राइट राइट। एक्चुअली हम सबके साथ यही चीज होती है अक्सर कि देयर आर, हम लोग चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन कई बार हम लोग कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ सर्टन रेजिस्टेंस, हमारे अपने अंदर के रेजिस्टेंस आते हैं बिकॉज ऑफ हमारे अपने पुराने पास्ट बिलीफ्स, हमारे पुराने सोच कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता या ये ऐसा मुश्किल है या इस तरह का कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस जब तक हम लोग नहीं निकालते हैं तब तक वो नहीं हो पाता। एंड योग एक्चुअली इज वन ऑफ द टूल्स, एक तरह से एक वो आपके गाड़ी को जिस तरह से बनाना होता है तो उसके लिए आपको पाना चाहिए, तो इट इज वन ऑफ द टूल्स की जहाँ पर आपको इट रिलीव्स यू। एक्चुअली योग इज वन ऑफ द टूल्स विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑन योर हेल्थ लेवल, ऑन योर बॉडी लेवल, ऑन योर माइंड लेवल एंड ऑन योर एनर्जी लेवल। हर तरह से आपको बहुत ही ज्यादा फ्री करता है एंड इट टेक्स यू टू अ वेरी डिफरेंट लेवल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन एक्सप्लेन, बट जो लोग करते हैं, जो लोग उस चीज को महसूस करते हैं, दे नो द डिफरेंस ऑफ इट। तो इस चीज को ना मेरे को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना था जी कि जो मैं माइंड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं माइंड को एक एग्जाम्पल के थ्रू लूँ, अगर एक माइंड घोड़ा है जी, ठीक है, तो मैं जॉकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब ये जॉकी था घोड़े के नीचे जी, तो जो पोटेंशियल रहता है घोड़े का वो ऐसा हो गया था कि अब घोड़े के, मतलब मैं जैसे घोड़े को मैं ऊपर मेरे लेके चल रहा हूँ ऐसा, और इतना तकलीफ हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अरे क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ईज क्यों नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। जैसे सब लोग बोलेंगे ना बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे मैं भी कि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं और लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना। तो फिर जब योग किया एंड योग करने के 8 महीने के बाद मुझे एक्सेस कॉन्शियसनेस मिला एंड थ्रू एक्सेस कॉन्शियसनेस आने वाली थी कि बाकी के जो आपके जो टूल्स हैं, जो एक्सेस कॉन्शियसनेस सीखा आपने, आपने न्यूमरोलॉजी सीखा है, आपने रेगी सीखा है, आपने कई सारे टूल्स सीखे हैं, तो व्हाट मतलब वही चीज है कि आप क्यों मतलब उस डायरेक्शन में और जाते गए। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी योग मैंने किया तो योग से क्या होता है कि जो आपके जो एनर्जी सेंटर्स रहते हैं बॉडी में, जिसको हम लोग चक्रास भी बोलते हैं जी, वो चक्रास ओपन होने स्टार्ट होते हैं। तो जब वो चक्रास ओपन होते हैं आपको शांत बैठने नहीं देंगे, कि याद रखना, उसके अगर इफेक्ट्स आपको अगर पॉजिटिव साइड में देंगे तो एक नेगेटिव साइड भी ये रहेगा, आपको शांत नहीं बैठने देंगे। तो शांत नहीं बैठने देने का जो मैंने जो चैनल को ये एनर्जी को जो जिस हिसाब से घुमा के एक चैनलाइज किया, right. तो फोकस किया, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि फिर मुझे एक्सेस कॉन्शियसनेस मिला। अब इतनी एनर्जी है बॉडी में, अब इसको मैं कहाँ डाइवर्ट करूँ, ऑलरेडी ये स्टॉक मार्केट कम पड़ रहा है उधर डाइवर्ट करने का, इसलिए वो 9 से 3:30 है सिर्फ, ठीक है, अब 3:30 के बाद क्या करूं मैं, ठीक है। तो ये योग ने मुझे एनर्जी का लेवल बढ़ाया, एक्सेस कॉन्शियसनेस ने एक 32 पॉइंट्स। एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होता है, एक छोटा सा मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ सो दैट पीपल शुड नॉट, कि उनको समझ में नहीं आया कि एक्सेस कॉन्शियसनेस है क्या। तो एक 32 पॉइंट्स ऑन योर हेड, ठीक है, और हर एक पॉइंट का एक रिलेशनशिप रहता है। तो मैं छोटा मोटा रिलेशनशिप बताता हूँ जो मेन है हमारे लाइफ में, विच इज 1 पॉइंट इज ऑफ मनी, 1 पॉइंट इज ऑफ रिलेशनशिप,
one point is of health. Right. तो मेरे हिसाब से ये जो तीन पॉइंट होते हैं ना, health, wealth और relationship, इनकी बुनियाद है. This is the बुनियाद of our life. बराबर. I think किसी का health related problem होगा, किसी का wealth related problem होगा और किसी का relationship related problem. ये तीन problem के अलावा मेरे हिसाब से बाकी छोटे छोटे permutation combinations बनेंगे. ये प्लस ये है या ये प्लस ये या तीनों नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो जंबल है, ठीक है. तो ये जब मैंने पहला सेशन शिल्पा साठे, आई थिंक वो भी सुन रहे हो गए हमें, तो उनसे लिया था थाने में. तो जब मैंने पहला सेशन लिया एंड मेरे को, मैं वो सेशन लेने के पहले मुझे पता था कि ये सेशन ले, मैं 30 मिनट्स का सेशन होता है. तो वो सेशन में क्या होता है कि हम, मैं लेटता हूँ एंड जो फैसिलिटेटर रहता है वो हमारे जो 32 पॉइंट्स हेड पे वो दबाते हैं. राइट. उससे जो ब्लॉक्स रहते हैं उन पॉइंट्स को रिलेटेड, वो ब्लॉक्स ओपन हो जाते. अब जब उन्होंने मुझे कहा था कि वो इतना पावरफुल है ये 30 मिनट्स का सेशन कि इट इज इक्विवेलेंट टू योर 7 इयर्स ऑफ मेडिटेशन, एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा सच में हो सकता है क्या? मतलब लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस इट. इसलिए देखो, योग तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, बट योग के साथ साथ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो स्लो एनर्जी है ना, ओपन करना, और मैं है स्टॉक मार्केट, मुझे चाहिए सब कुछ फास्ट फास्ट, कम ऑन, और क्या हो सकता है. तो मैंने योग को कंबाइन किया एक्सेस कॉन्शियसनेस से, तो मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए. तो वो जब सेशन लिया तो वो सेशन के बाद मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, एंड लाइक ऐसा लगा कि एकदम खाली खाली हो गया, एंड ऐसा लगा कि शायद कुछ तो कुछ हैवीनेस था सर पे और वो अचानक गायब हो गया आफ्टर 30 मिनट्स. राइट. इट वॉज सो प्रोफाउंड एंड इट वॉज सो लाइट फीलिंग, है ना. वहाँ उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार इतना ही अच्छा तो इसको सीख क्यों ना, तो मैंने सीख लिया वो. तो 3-4 महीने लगे मुझे वो टोटल सीखने के लिए, क्योंकि मैंने क्या किया उसका ना, मैं टीचर लेवल पे चला गया वो सीखने के लिए. एक ही दिन चाहिए एक्चुअली, लेकिन मैंने और भी उसके अंदर लेवल्स होते हैं फैसिलिटेटर बनने के लिए, तो मैं वो लेवल्स करने के लिए मैंने 3-4 महीने चले गए मेरे, और अभी मैं उसका फैसिलिटेटर भी हूँ और उसका प्रैक्टिशनर भी हूँ. तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो एनर्जी बोलते ना एकदम बूस्ट हो गया. अब ये और तकलीफ हो गई मेरे लिए, इतनी बूस्ट एनर्जी हो गई, ये मुझे बाकी चीज भी कम पड़ गई करने के लिए. तो इसके लिए बाकी का जो ना रेकी, फिर उसके बाद में मैंने रेकी किया, मैंने साउंड हीलिंग किया. टिबेटन बोल्स होते हैं, वो बोल्स के थ्रू आप जब बैंग करेंगे तो कुछ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं और वो भी एक हीलिंग में काम आती है. तो जब मुझे क्या समझा कि जैसे मैं एक पर्सन हूँ, तो मैं एक तरीका मुझे शायद अच्छा लगे हील होने के लिए, वैसे सबके पास एक चॉइस होती है हील होने के लिए. राइट. So why not to give that choice to other rather than I suggesting कि आपके लिए ये अच्छा, आपके लिए ये अच्छा, समझ रहे हो? तो इसमें क्या हो रहा है कि I am not motivating others, I am empowering them. कि मेरे पास ये सारे modalities है जिसके through मैं आपको heal कर सकता हूँ. You choose or what excites you. Exactly, exactly. Yes. Exactly. So ये मैंने access consciousness से सीखा कि empowerment करना. Empowerment का मतलब मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज लोगों को ना मोटिवेशन तो पता है एग्जैक्टली. तो मोटिवेशन क्या होती है, जो बाहर से चीजें आती है, बाहर से तरंगे आती है, बाहर से फ्रीक्वेंसीज आती है और जो आपको मोटिवेट करती है, और आपको 2-3 दिन आपको भी पता है कितना दिन टिकता है फिर वो, है ना. right. फिर आप एंड यू आर अगेन द बैक सेम पूजा, सेम सचिन एंड सेम लाइक अदर पार्टिसिपेंट. राइट. लेकिन जब आप एम्पावर करते हो किसी को अंदर से, एम्पावरिंग मीन्स अंदर से एम्पावर करना, अंदर से मोटिवेट करना, ठीक है. तो अंदर से मोटिवेट करने का मतलब ये होता है कि इसको मैं एक अच्छी से एग्जांपल देना हूँ, जैसे हमारे इंडिया में शक्ति पीठ करके रहती है. हाँ, तो ये माता की जोत रहती है. बिल्कुल. जो अखंड रहती है. बिल्कुल. ये अखंड जोत है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पावरमेंट, जो अंदर से जल रही है, इसीलिए वो बूझती नहीं है. बिल्कुल. उसको बाहर से तेल की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है. राइट. ठीक है. तो ये आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल. जो जो एक बार जो एनर्जी जो है वो बन गई, उसके बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आपको यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग, आपको जो भी करना है कंटिन्यू. और क्या होगा ना, जब आपको एक जो है वो आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है उसके अंदर में, लेकिन ये अखंड ज्योत जो है वहाँ तो ऑलरेडी डायरेक्शन है, ऑलरेडी एक तरह से कहीं ना कहीं आपका आप एनलाइटेंड हो, उसके बाद तो आपको बस केवल आगे ही निकलना है. देखो एनलाइटेंड बहुत बड़ा वर्ड है और आई थिंक ये इतना बड़ा वर्ड है कि वो तो काफी एक अलग ही लेवल का वर्ड है. वो अलग ही लेवल है. यस. बट हाँ, कि जो अंदर से भी अगर आपकी आग जले, ठीक है जी, तो ना बाहर से कितना भी, बाहर से कितना भी फोर्स आने दो, कितना भी नेगेटिविटी आने दो, यू आर गोइंग टू डू योर जॉब. राइट.
तो फिर फिर ऐसा करते हैं, वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन देन नाउ. ठीक है. यस यस यस. सो पार्टिसिपेंट्स, अभी हम लोग वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन. तो प्लीज गेट रेडी. तो अभी जो मैं फिलहाल आसन में बैठा हूँ, ये वज्रासन है जी. ठीक है, जो मैं पैर फोल्ड करके बैठा हूँ जी. ठीक है, ठीक है जी. तो अभी जो भी अपने चेयर्स पे बैठे हुए, चेयर्स पे बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को सुखासन में बैठना है, सुखासन मतलब नॉर्मल जो पलटी मार के जो हम लोग बैठते हैं सुखासन, तो किसी को सुखासन में बैठना है सुखासन बैठो, चेयर पे बैठना चेयर पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द बेस्ट पोज फॉर दिस इज वज्रासन. इसके लिए मैं वज्रासन पे बैठा हूँ. वज्रासन पे बैठने के लिए आपको इस तरीके से बैठना है, हाथ आगे रखना है. तो I would request all the participants to be calm. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. तो जो breathe in और breathe out जो हमने अभी किया, ये करना इसके लिए जरूरी है कि आपको माइंड को काम करना बहुत ही जरूरी है कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले. बिल्कुल, ये तो हमारा स्टार्ट है. स्टार्ट ही है, दैट इज वेरी बेस, है ना. और मैं और एक थोड़ा सा छोटा सा टिप देना चाहूंगा आप लोगों को. अगर किसी को भी अपनी गति टुवर्ड्स फ्रॉम द नोज, हमें जो सांस लेनी है हमें नाकों से ही लेना है, नाक से सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह से सांस नहीं लेना है, मुंह से सांस नहीं छोड़ना है. अभी जो मैंने डीप ब्रीदिंग की बात की थी, ओनली अबाउट ब्रीदिंग फ्रॉम नोज, और आगे भी जो भी होगा वो नोज से ही ब्रीदिंग करना है. नोज से ही एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल विल बी फ्रॉम नोज ओनली. I think, hope I am clear. Yes, yes, you are audible. Okay. Yeah. सभी participants, आप speaker view जो है ना वहाँ पर, gallery view नहीं चुन करके, speaker view चुन के आप देख सकते हो. Yes, inhale and exhale from nose only. Whatever we will do today, inhaling and exhaling will be from nose only. बिल्कुल, बिल्कुल. Okay. No, some participants were commenting, so that is the reason I need to clear that. So inhalation exhalation will be totally from your nose. Yes. So why to inhale and exhale? Deep breathing kyun chahiye thi? Because jab aap deep breathe karte ho, maximum oxygen jo rehta hai required by your brain. So it helps you to calm your brain. Right. Okay. So jab aap ek baar brain calm ho gaya hai aapka, already dil ki jo dhadkane rehti hai wo bhi calm ho jati hai. Theek hai? And everything gets normal. Bilkul. Everything gets normal. तो आज हम क्या करने वाले हैं, चार ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं. ठीक है. इसका जो फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसका नाम है चिन मुद्रा. चिन्मय, चिन. ठीक है. चिन मुद्रा. ओके. हाँ, तो चिन भी बोलते हैं उसको हम लोग, CHIN, चिन, ना? तो वो ये वाला चिन नहीं है, चिन बोल सकते हैं. या तो उसको हम लोग जो नॉर्मल हमारी मुद्रा होती है इस टाइप की, इसको हम लोग ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं. ये मुद्रा हमें हमारे लैप पे रखनी है जी. जैसे हमने हमारे लैप पे रखा, और ये जो टिप रहता है थंब एंड इंडेक्स फिंगर, वो जो टिप रहता है वो टिप आपको प्रेस करना है, मतलब बहुत जोर से प्रेस नहीं करना, इट इज लाइट प्रेस. और बाकी ये जो तीन फिंगर है इट शुड बी स्ट्रेट, इट शुड नॉट बी ऐसे 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 कुछ नहीं, इट शुड बी स्ट्रेट जी. होप आई एम क्लियर. तो ये ज्ञान मुद्रा है, और इसको इट इज फेसिंग टुवर्ड्स अप, छत की तरफ फेस करना है. जी जी जी. फेसिंग टुवर्ड्स अप. ओके, होप आई एम क्लियर. यस यस यस. ठीक है. अब है ना, आपको आपकी आंखें बंद करनी है और आपको ब्रीथ करना है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, breathe out.
breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. तो जब आप ब्रीद इन कर रहे हो और ब्रीद आउट कर रहे हो तो ये मुद्रा में आपको हेल्प होता है एब्डोमेन से ब्रीद करना. एब्डोमेन पोर्शन जो रहता है आपका, ठीक है, आप अभी वापस करोगे बिकॉज अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया तो आपको पूरा ध्यान उधर होता. तो आप वापस अभी 5 times, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे अभी हम लोग. एक बार चेक करो कि एब्डोमेन हिल रहेगा, ठीक है, एब्डोमेन ये साइड, ठीक है. तो एक बार फिर से करके देखेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. फर्क नजर आया? जी, बहुत फर्क नजर आया. Yes. तो ये आपका एब्डोमिनल, राइट, एब्डोमिनल पार्ट पे आपके ब्रीदिंग होती है, एब्डोमिनल से ब्रीदिंग होती है. सिर्फ ये मुद्रा आपको हेल्प करती है. सिर्फ आपने चिन मुद्रा आपने ले ली, आपके लैब पे रख दिया, आपने आपकी ब्रीदिंग स्टार्ट की और ऑटोमेटिकली आपके एब्डोमिनल से ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो गया. अभी सेम चीज आगे फॉरवर्ड जाने से पहले, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी आप ब्रीद इन करते हो जी, ठीक है, तो जैसे हम लोग जब बलून फुगाते हैं तो बलून कैसे बढ़ता है, जी जी जी, तो वैसे ही आपका जो पेट रहता है वो फूलना चाहिए, जी, ठीक है, मतलब एक्सपांड होना चाहिए. और जब भी आप एक्सहेल करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. तो एक्सपांड वाइल इनहेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा वाइल एक्सहेलिंग. तो इनहेल एक्सपांड, एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके का होना चाहिए ब्रीदिंग, ठीक है. क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझता है, तो ये एक दूसरा तरीका है समझने का कि गुब्बारा, ठीक है, फुलाने पे फूलता है बिकॉज एयर अंदर जाती है, जब एयर बाहर आती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो सेम यही है हमारा एब्डोमिनल में भी वही होगा और आगे भी जब हम सीखेंगे तो वही होने वाला है. शायद समझ में आए नहीं है बट यही हो रहा है, ठीक है. तो अगर जान के थोड़ा सा आप इंटेंशनली अगर देखो कि फूल रहा है ना, फूक रहा है या फुगा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है. और वो ऑटोमेटिकली बाद में क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइजेस रेगुलरली. और एक क्वेश्चन आएगा बहुत लोगों के मन में कि ये हमें कितने बार करना चाहिए. सो फॉर बिगिनर्स मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में, और क्योंकि सब लोगों का जो पाथ है ना, एज डिफरेंट है, लोगों की बॉडी डिफरेंट है ना, और कोई किसी को बीमारी है, किसी को बीमारी नहीं है, तो सब लोगों का जो आंकड़ा रहेगा वो अलग रहेगा. तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना रहेगा लोगों को. बट एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके इसको सेट कर सकता हूँ, ये कोई भी कार्डिनल रूल नहीं है, ठीक है. तो आप आपके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो. तो एक मेरे हिसाब से 10 breathe in and 10 breathe out आप स्टार्टिंग में करके देखो. अगर बहुत हैवी नहीं लग रहा है आपको तो यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको बढ़ा सकते हो. बिल्कुल. या फिर अगर किसी को मिनटों में समझना है तो आप 30 seconds स्टार्टिंग में कर सकते हो. बिल्कुल. फिर उसको ग्रेजुअली 1 minute एंड फिर ग्रेजुअली आप कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हो आप कहाँ तक भी लेके जा सकते हो. तो जितना आप करोगे, लेकिन वो एक बॉडी की शब्द की क्षमता होती है, उस हिसाब से ही करना है. कोई भी चीज को अति नहीं करना है, ठीक है. तो जैसे मराठी में एक मन है हमारी कि अति तिथे माती, ठीक है. कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, ठीक है, आप अगर ज्यादा करोगे तो वो काम की नहीं है, वो नुकसान भी दे सकती है ना. और कोई भी चीज को आपको फोर्स नहीं करना है. बिल्कुल. ये दरअसल मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम लोग ब्रीदिंग जो टेक्निक है हम लोग अगर वो सही नहीं करते हैं तो उसके हम लोगों को साइड इफेक्ट्स भी भुगतने पड़ते हैं. तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर हम लोग सही तरीके से करते हैं तो ठीक है, वरना इसका साइड इफेक्ट होता है. और उतना ही तो आज हम लोग सिखाने के लिए आए हुए हैं. जितना आप कर सकते हो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते जाइए. पहले आप 5 मिनट कीजिए, पहले 15-20 दिन, फिर उसके बाद 10 मिनट कीजिए, फिर उसके बाद आप 20 मिनट कीजिए, एंड देन यू कैन मेक इट टू हाफ एन आवर. आप आधा घंटा कर सकते हो फिर. जी, ये चिन मुद्रा है. ये किसी ने सवाल पूछा, ये चिन मुद्रा है. चिन मुद्रा है, इसको हम लोग ज्ञान मुद्रा भी बोल सकते हैं, है ना. लेकिन हम इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग वर्ड यूज करें चिन मुद्रा. जी,
ये मुद्रा लेके हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं, ठीक है? राइट. तो अभी हम नेक्स्ट मुद्रा के तरफ जाते हैं. जी. अब नेक्स्ट मुद्रा बहुत ही सिंपल है. जैसे चिन्ह मुद्रा इस तरीके की थी, हमने किया था. जी. अब नेक्स्ट मुद्रा को ये जो तीन हमने स्ट्रेट रखे थे, बस इसको फोल्ड कर देना, और वो जो टिप ऑफ द था वो वैसे ही रखना है. जी. है ना? और ये भी फेसिंग टुवर्ड्स अप ही रहेगा, फेसिंग टुवर्ड्स अप इस तरीके से. तो ये ऐसे था चिन्ह मुद्रा, ये होता चिन्मय. जी. तो ये थी चिन्ह, ये है, जैसे फोल्ड कर दिया चिन्मय हो गई. राइट. तो अभी चिन्मय मुद्रा में आ जाइए सब लोग. जी. ठीक है, चिन्मय मुद्रा ले ली सब लोग ने. या परफेक्ट. ठीक है, अभी हम इनहेल करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 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 कुछ फर्क? बहुत ज्यादा फर्क. कहाँ से ब्रीद हो रही थी पूजा, बता सकते हो? मेरा तो पूरा पेट से ही आ रहा था. ठीक है, अब हम वापस करेंगे, बिकॉज पेट से नहीं हो रहा था, ये चेस्ट ब्रीदिंग होती है. ओके. ये मुद्रा लेने के बाद हमारे चेस्ट से सीधा, जो जब एब्डोमिनल था लास्ट था, अभी ये सीधा, ये मुद्रा लेने के बाद में चेस्ट से ब्रीदिंग होती है. ओके. तो सीधा अभी हम वापस करेंगे, और अभी आप ध्यान देके कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक देखोगे चेस्ट आपका हिल रहा है. ठीक है, वापस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 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 देखो बहुत ही हल्का फर्क होता है. पेट तो हिलेगा, पेट का नहीं है, बट आपका जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो चेस्ट के तरफ रहता है. इसको चेस्ट ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहले वाली थी चिन, ये हुए चिन्मय. ओके. पहली वाली चिन, ये दूसरी चिन्मय मुद्रा. चिन थी एब्डोमिनल से ब्रीदिंग, चिन्मय हो गई हमारी चेस्ट ब्रीदिंग हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. चिन, चिन्मय, उसके बाद आदि. सचिन एक काम करते हैं ना, कि आप 5 मिनट हम लोग इस चीज को करते हैं, चिन और फिर चिन्मय 5 मिनट करते हैं. नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं. जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हम लोग खाली 10 टाइम्स ही करेंगे, है ना? Okay. और बिकॉज पार्टिसिपेंट्स आई डोंट नो कि क्या लेवल पे, और मोस्टली जिनके कमेंट्स आए थे बहुत लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए नहीं थे, तो आई थिंक वो होमवर्क रहेगा उन लोगों का. थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना बनता है ना. यस यस. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, बिकॉज अभी चारों बता दीजिए, फिर आप चारों बताने के बाद हम लोग रिपीट करेंगे फिर. जी जी जी, है ना, वो करने ही वाले हम लोग, हम वही करने वाले. ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट मुद्रा में जाएंगे, जिसको आदि मुद्रा बोलते हैं. तो आदि मुद्रा क्या करना है, अभी इस तरीके से आपने पहले चिन्ह लिया था, फिर चिन्मय किया था. अब आपका जो अंगूठा है नॉर्मली अब अंदर चले जाएगा, फिस्ट बन जाएगा, अंगूठा अंदर जाएगा, फिस्ट बन जाएगा. अब फिस्ट को टुवर्ड्स डाउन रखना है आपको, फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड. फिस्ट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऊपर नहीं रहेगा, टुवर्ड्स डाउन रहेगा. जी. आपके लैप पे रख दीजिए. अब हम वापस से 5 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 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 कहाँ से हुआ आप बताइए, आप बताइए मुझे, आपको कहाँ महसूस हुआ, फिर तुम्हें बताने वाला हूँ. चेस्ट से महसूस हुआ. ठीक है, तो अब हम चला थोड़ा चेस्ट से ऊपर चले गए थे, इसको शोल्डर ब्रीदिंग भी बोलते हैं. अच्छा. शोल्डर ब्रीदिंग, नेक नहीं. मोहित बोल रहा है नेक ब्रीदिंग. ठीक है,
तो इसका शोल्डर, यस यस परफेक्ट, शोल्डर ब्रीदिंग, शोल्डर से हो रही थी ये ब्रीदिंग, तो अभी हम वापस से करेंगे सो दैट अभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, ठीक है। इसको शोल्डर ब्रीदिंग भी बोलते हैं, आदि ब्रीदिंग, ठीक है जी। तो चिन हो गया, चिन्मय हो गया आदि, तो हम वैसे ही मुद्रा लेंगे अभी, वी विल नाउ डू इट अगेन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फर्क नजर आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी फर्क नजर आया। राइट, तो चिन काफी शांति महसूस होती है जब भी कभी हम लोग इस तरह से करते हैं। यस 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 यस, बहुत ही शांति होगी, है ना। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इट विल चेंज ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ जी, ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। बट चमत्कार नहीं होने वाला है रातों रात, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो डोरमेंट एनर्जी है वो जागृत होते रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी फील्ड में काम करो, यू विल फील एनर्जाइज। सुबह आपने अगर ये किया है ना, सिर्फ 10-10 भी ब्रीदिंग किया तो वो भी काफी है, ऐसा कुछ घंटों करने की कोई जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, एंड देन फिर जैसे आपको टाइम मिले, ठीक है, आप कर सकते हैं। खाली मेरा एक ही अनुरोध रहेगा आपसे, खाना खाने के बाद में या हैवी मील्स के बाद में, हैवी ब्रेकफास्ट के बाद में प्लीज मत कीजिए, ठीक है। ये हम लोग एक्चुअली सुबह भी रख सकते थे ये सेम, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मेडिटेट नहीं करते हैं, इसलिए हमने सुबह का टाइम नहीं चॉइस किया और शाम का वक्त लिया है, सो दैट इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शाम को नहीं कर सकते हैं, खाली इतना आप ध्यान रखना कि आप इसको खाली पेट, खाली पेट मतलब पानी वानी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ आपको बहुत भूखा होकर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लाइट वेट भी रह सकते हैं, मतलब आप हल्का फुल्का खाना भी खा रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत ज्यादा हैवी ऑयली नॉन वेज है ना, ऐसा कुछ हैवी रहेगा तो तभी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पे बता दूंगा कि अगर वेजिटेरियन हो तो इट विल टेक 4 आवर्स टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो खाना खाने के बाद में 4 आवर्स के बाद में आप कर सकते हो, और थोड़ा नॉन वेज खाया रहेगा तो इट विल टेक 6 to 8 आवर्स, और सबका अलग डिफर हो सकता है, किसी का डाइजेशन फास्ट स्लो थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। पर ये जो मैंने इसलिए जोन दिया आपको कि 6 to 8 आवर्स, ठीक है, किसी का 3 to 4 आवर्स में भी होगा वेजिटेरियन, और किसी ने बहुत ही लाइट खाना खाया तो 2 आवर्स में भी हो जाएगा, और किसी का फास्ट में जो फ्रूट्स खाते हैं ना, तो फ्रूट्स को आपका 20 से लेकर 40 मिनट्स में हो जाता है डाइजेशन, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फोर्थ ब्रीदिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्म मुद्रा। क्या बोलेंगे? हाँ, सोने से पहले कर सकते हैं, सोने से पहले आप कर सकते हैं। सोने से पहले देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि बिकॉज आपने डिनर अगर शाम को 6 या 7 बजे किया रहेगा तो, और अगर आप रात को 10 बजे 11 बजे सो रहे हो तो डेट इज फाइन, ठीक है। थोड़ा गैप होना जरूरी है, 3 घंटे गैप होना थोड़ा सा जरूरी है ना, नहीं तो आप सुबह करिए ना उठने के बाद। मेरे हिसाब से उठने के बाद सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, अगर आप अपने आपको गिफ्ट कर सकते हो तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इज द बेस्ट। पहली बात तो आप, सबसे बढ़िया चीज है कि आप अर्ली मॉर्निंग में आप जब भी उठो तब आप ये करो, सबसे बेस्ट चीज है योग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सुबह। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना, बहुत लोग डर गए होंगे, अरे यार मैं सुबह 4 बजे 3 बजे या 5 बजे कैसे उठूं, तो ऐसे प्लीज इतना नहीं दिमाग लगाओ। हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो गृहस्थ लोग के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, आपको कुछ छोड़ना ओढ़ना नहीं है, हमको रिनाउंसिएशन नहीं करना है, हमें सब कुछ करते हुए भी हमें हमारा ध्यान देना है। तो ये आप खाली इतना कि आप कभी भी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली कि पेट खाली रहे उतना सा वही है, तो बेस्ट है। जब भी हम उठते तो पेट तो खाली रहता है ना, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं बोला तो सुबह करें तो बेस्ट ही है, क्योंकि बेस्ट है एनी टाइम समय है। हाँ, और जैसे अभी हम लोग दोपहर के बाद में हम लोग 6 बजे का टाइमिंग लिया है, तो 6 बजे का यही कि अगर नॉर्मली लोग 1 से 2 के बीच में अगर खाना खाते हैं तो 6 इज द परफेक्ट टाइम टू डू, राइट, है ना। तो वो भी है, लाइट स्नैक्स वैक्स किसी ने अगर चाय के साथ खा लिया वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक लेवल की ब्रीदिंग है, कोई हाई लेवल का प्राणायाम नहीं कर रहे हैं,
तो आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सो दैट ऐसा कुछ भ्रांतियां रहती है बहुत लोगों की, जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं, तो वो भी मैं दूर कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द लास्ट ब्रीदिंग व्हिच इज नोन एज ब्रह्म मुद्रा। करना चाहूंगी, चैट में किसी ने कहा है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो ये अभी आप देख रहे हो ये ऑलरेडी फेसबुक पर लाइव आ रहा है, या शायद नहीं भी आ रहा होगा, तो वैसे भी थोड़े दिनों में ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये पूरा आपका वहां पे मिलने वाला है। राइट, तो पूजा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं कहूंगा, ठीक है, और मेरे भी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोनों के चैनल पे अवेलेबल रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया है लिंक, लेकिन वापस आपको आपको मेल भी मिल जाएगा, लिंक मेल पे भी मिल जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो दे देंगे, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का मिलेगा, सिर्फ सचिन का नहीं। ठीक है, तो लास्ट मुद्रा जो है ब्रह्म मुद्रा है, तो ब्रह्म मुद्रा जैसे जिस हिसाब से हमने आदि मुद्रा ली थी जी डाउन करके, बस अब ब्रह्म मुद्रा को आपको ऊपर करना है और ज्वाइन करना है, फीस्ट को एक टुवर्ड्स एक दूसरे के ज्वाइन करना है, फीस्ट ज्वाइनिंग। अब ये फीस्ट को लेके जाना है आपको आपके एब्डोमिनल के करीब, पेट के करीब, नेवल के करीब, और इस तरीके से रखना है जी। क्लियर, मैं वापस फिर से कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट था चिन चिन चिन्मय आदि, और ब्रह्म मुद्रा इस तरीके से फीस्ट ज्वाइनिंग करके इधर रखना है आपको, पेट के तरफ, पेट टच होना तो जरूरी नहीं है, अंदर जाना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हम अंदर ही रहेगा, हाँ सब सेम रहेगा, बस खाली फीस्ट को ज्वाइन करना है और वो आपको आपके पेट के तरफ रखना है, मतलब एकदम चिटका के ऐसे दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रखना है, एकदम बी कूल बी काम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। क्या लगा पूजा, कहां से हो रही है ब्रीदिंग? मुझे एक्चुअली वैसे ही चेस्ट से ही लग रहा है अभी तक तो। ठीक है, ये ब्रह्म मुद्रा, ठीक है, ब्रह्म का मतलब समझिए एटर्नल, एवरीथिंग, इट इज इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग होल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, होल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका एब्डोमिनल, चेस्ट, शोल्डर, तो पूरा ब्रीदिंग है, ये कंप्लीट साइकिल हो रहा है यहाँ पे, फुल ब्रेथ, जो हम लोग नॉर्मली लेते ही नहीं है, हम हमारे नॉर्मल जीवन में कभी भी फुल ब्रीदिंग कर नहीं पाते हैं, ये आसानी से आप ब्रह्म मुद्रा लेके आप आपका फुल ब्रीदिंग कर सकते हो, और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो नॉर्मली अभी कोरोना वायरस जो है जहाँ पे इसको अटैक कर रहा है, इसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, और इसी के लिए मेरा उद्देश्य यही था, ठीक है, कि आपका जो डायफ्राम है ना जी, इसी तरीके से ये पूरा हिल के तैयार हो जाए लड़ने के लिए कोरोना से, इसलिए जो चीज जहां पे अटैक हो रही है उसी को अगर हमने पहले से ही मजबूत कर दिया, तो आपका जो मिलिट्री सिस्टम बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, एकदम स्ट्रांग है, तो इन्वेड ही नहीं होगा, इन्वेडेशन जो होता है, जो आपका एनिमी अटैक करता है वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो आपका डिफेंस सिस्टम आपने इतना स्ट्रांग बना दिया होगा जी। तो अब बिकॉज अभी आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अब हम वापस से ब्रह्म मुद्रा लेंगे और 5 times करेंगे जी जी जी, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 फर्क महसूस हुआ पूजा?
बहुत बहुत मुझे तो हर बार जब भी हम लोग कर रहे हैं बहुत शांति महसूस हो रही है सबसे पहले राइट. तो, और सो ये ये पूरा एक ऐसे पार्ट है. पूरा द होल ऑफ द डायफ्राम एंड ओवरऑल जो है वहाँ बहुत ऐसा काफी अच्छा महसूस हो रहा है। राइट. अभी ये कैसे है मालूम है आपको कि ये जितना आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करोगे उतना जी ही आपका ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा जो ट्रैक है आपका मजबूत होगा. सिर्फ ये ही मजबूत नहीं होगा, इससे आपका दिमाग दिल है ना आपका सारा बिल्कुल चीज मतलब बिल्कुल बॉडी, बिल्कुल बिकॉज आप जो पोस्चर ले रहे हो ठीक है ये कोई नॉर्मल पोस्चर नहीं है. यहाँ पे जब आप पोस्चर ले रहे हो है ना ये मुद्रा भी जब आप कर रहे हो तो ये आपके माइंड को काम करने के लिए बनाया हुआ है. और ये इतना इजी, अगर मैं सिर्फ आपको ऐसा बोलूँ ना कि आप डायफ्राम से ब्रीदिंग करो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे समझ में नहीं आएगा कैसे करते. तो ये बिल्कुल मुद्रा इतनी इजी हो जाती है आपके लिए कि आपका माइंड बॉडी सोल तीनों को एकदम काम करने के लिए है ना इतना इजी और सिंपल तरीका है. चार मुद्राएं हैं और ये चार मुद्राएं आपको फिर से हम एक बार रिवीजन के लिए ले रिपीट लेते कर सो दैट दीजिए आप, हाँ आपने रिपीट सबसे कर दे सो पहले दैट आपने इट विल तो नॉट बी एनी कंफ्यूजन. जी, सबसे पहले तो आपने चिन्ह मुद्रा बताई आपने, फिर हाँ दूसरा लेकिन अभी चिन्ह मैं है थोड़ा सा मुद्रा। रिवीजन करूंगा उसमें कि बिकॉज आप जब पहली बार बैठोगे तो पहले ना आप 5 बार नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करना विदाउट एनी मुद्रा ठीक जी है. जी जी एक जी बार 5 बार आपने डीप ब्रीदिंग किया तो आपका माइंड जो है काम हो जाएगा. उसके बाद में आपको चिन्ह मुद्रा लेनी है जिसको हम लोग ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं. इस जी तरीके से फेसिंग टुवर्ड्स अप जी अभी आपके करते लैप पे हैं रखना सचिन है. वही एक। कर रहे हम लोग कर रहे हाँ अभी जी आपके लैप पे रखना है आपको ठीक है. जी और अभी हम लोग 10 टाइम्स करेंगे जी ओके. तो कंटिन्यूस करेंगे सो दैट आपको अभी अभी समझ में आ गया कहाँ से ब्रीदिंग हो रही है. तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि आपके ये ब्रेथ पे महसूस होना होना चाहिए. बहुत जरूरी है, जो बहुत हम लोग जरूरी है आज बहुत जो जरूरी सीख रहे हैं वो आज हम यस लोगों को यस टेक अवे के तौर पे महसूस होना बहुत जरूरी है। तो राइट राइट आप उसको एक 2-5 मिनट तक हम लोग करते हैं करेंगे कंटिन्यूटी में, करेंगे राइट. सो तो दैट टेन दो टेन मिनट मिनट्स के का हम लिए करते लोग हैं हर मुद्रा कंटिन्यूटी में, सो दैट टेन टाइम्स करते हैं. एवरीथिंग देखो कैन वी बी विल नॉट रिपीटेड। बी कंफ्यूज बिकॉज मिनट्स में हम लोग काउंट नहीं कर सकते अभी कुछ अभी टाइमर नहीं लगा नहीं है. हम मैं लोग टेन टाइम्स आपको करते दो हैं. मिनट बता देती हूँ। हाँ नहीं 10 टाइम्स करते आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर एवरीवन है ओके ओके ना. या ठीक है. इनहेल एक्सहेल 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 इनहेल एक्सहेल. ये आपकी चिन्ह मुद्रा हो गई है कंप्लीट बिल्कुल ठीक है. काफी माइंड में देखो रिलैक्सेशन हो गया रहेगा आपका माइंड एकदम काम हो गया रहेगा. ब्रेन एकदम सारे थॉट से निर्विकार निर्विचार हो गया रहेगा बिल्कुल राइट. बहुत शांति महसूस होती बहुत है। शांति महसूस होती है ना. और दिस इज द इजिएस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड टू काम योर माइंड बिल्कुल इजिएस्ट वे ठीक है. अभी जो मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा हूँ ठीक है. तो इसमें ना आपको ना सांस रोक के नहीं रखनी है. तो बिकॉज मैं अभी बोलते वक्त मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ रहा है बट आपको पॉज नहीं लेना है. आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हो डीप ब्रीदिंग करते वक्त है ना. तो हमें वो रोकना नहीं है ऐसा कुछ 2 सेकंड 5 सेकंड ऐसा कुछ रोकना नहीं है. ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट. मैं फास्ट नहीं बोल पाऊंगा इसके लिए मैंने आपको उस तरीके से बोल रहा हूँ. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर किसी को रहेगा तो वो भी मैं इसको दूर कर रहा हूँ ठीक है. जी तो अभी हम सेकंड मुद्रा पे चले जाते हैं चिन्मय. चिन्मय मुद्रा इज ये जो 3 स्टेट हमारे फिंगर थे उसको हमने फोल्ड कर दिया और जो हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर है वैसे ही रहेगा और इस तरीके से फेसिंग टुवर्ड्स अप वैसे ही रहने वाला. पाम पे रख जी दीजिए आपके लेग्स पे थाइस पे रख दीजिए. अब हम 10 टाइम्स करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट ओके. ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद
breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. जब भी आप एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा पे जब जाएंगे और अगर आपको आपकी आंखें खोलनी है, ठीक है, तो बहुत फटाक से मत खोलिए, धीरे धीरे आपकी आंख खोलिए, है ना। क्या होता है कि हम लोग है ना एकदम टुवर्ड्स ब्लैकआउट में चले जाते हैं और अचानक से अगर हम लाइट की तरफ आते तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। एकदम धीरे धीरे आपकी आंखें खोलिए, ओके, बिकॉज अभी हम लोग अभी बिकॉज ऑडियो वीडियो दोनों है, ठीक है, हम लोग इसलिए रश नहीं कर रहे हैं और आपको टाइम दे रहे हैं, इसके लिए बोला धीरे धीरे कीजिए। जब एक बार आपको आ गया तो इस हिसाब से आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके चिन्मय। अभी हम लोग करेंगे आदि मुद्रा। आदि मुद्रा कैसे रहेगी, आपका जो थंब रहेगा वो अंदर जाएगा, फिस्ट बंद और टुवर्ड्स डाउन, फिस्ट टुवर्ड्स डाउन लैप पे रख दीजिए आपके। अब हम लोग वापस से 10 times करेंगे, ओके, बिल्कुल रेडी जी। या ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हो गई हमारी आदि मुद्रा, बिल्कुल ठीक है। 10 से थोड़ा ज्यादा किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ कार्डिनल रूल नहीं है, 10 times, 5 times, 15 times, 20 times, आप कितना भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अभी हम लोग सिखा रहे हैं इसके लिए 10 times ही ले रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज बिगनर्स है, बहुत सारे बिगनर्स है, इसके लिए हम लोग 10 times ही। Okay. जो स्टार्ट कर रहा है वो इंसान वो बिल्कुल थोड़ा सा yes, थोड़ा सा स्लोली करे, लेकिन जो ऑलरेडी करता आ रहा है he can do for 10 minutes or 20 minutes right. तो अभी हम लोग नेक्स्ट मुद्रा पे जाएंगे जिसको हम लोग ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। जी, तो ये फिस्ट टुवर्ड्स डाउन था, अब टुवर्ड्स अप करके हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये फिस्ट को एक दूसरे की तरफ ज्वाइन कर देंगे और हमारे नेवल के इधर जो इस तरीके से एब्डोमेन के इधर रख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 times फिर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्लोली अपनी आंखें खोलिए। जी, नोज से ही लेना है आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। जो मुद्रा कही है वो मुद्रा में ही लेनी है। मुद्रा का एक्सप्लेनेशन फिर से कर देता हूँ।
जब भी आपका आप चिन्ह मुद्रा लेंगे तो आपके लैब पे रखना है, इसको आदि मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेना है। जब भी आप ये ब्रीदिंग करेंगे आपके एब्डोमिनल से ब्रीदिंग होगी, जब आप आपकी सेकंड ब्रीदिंग जब जाते हैं हम जिसको चिन्मय बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट हैंड्स है वो तीनों जो उंगलियां हैं उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, मुद्रा वैसे ही रहेगी जैसे हम लोग चिन्ह में रखा था, तो इसको चिन्मय बोलते हैं, लैब के टूवर्ड्स ही रहेगा, ये आपके चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं इसको और चिन्मय भी बोलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे आदि मुद्रा, आदि मुद्रा में हम लोग हमारे जो अंगूठा है वो अंदर ले देंगे, फिस्ट बंद कर देंगे, फिस्ट टूवर्ड्स डाउन ग्राउंड को रहेगा, लैब पे ही रखना है, ठीक है, ये आपका ब्रीदिंग रहेगा, शोल्डर ब्रीदिंग बोलते हैं आदि मुद्रा। और लास्ट जो है ब्रह्म मुद्रा, बस फीस्ट को जो हम लोग रखा था एक दूसरे के टवर्ड अप, पहले अप करना है, पहले इस तरीके से था डाउन फेसिंग, अप फेसिंग करके एक दूसरे के तरफ रखना है, एब्डोमिनल के इधर रखना है आपको, ठीक है, और फिर आपको सांस लेना है, इसको हम लोग होल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं या तो ब्रह्म मुद्रा, जो पूरा बिल्डिंग फुल ब्रीदिंग होता है यहाँ से, तो यहाँ से आपका जाता है पूरा फुल ब्रीदिंग, तो इट विल हेल्प यू टू कॉम्बैट कोरोना, ठीक है, COVID-19, या फिर जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में कर रहा हूँ तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग COVID-19 नहीं लिखते हैं, COVID-2019 लिखते हैं, सो दैट उसकी जो पावर है COVID-19 से नेगेटिव पावर काफी मिलती है। अगर आप भी COVID-19 लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से COVID-2019 लिखने से अगर और ये पूरे वर्ल्ड ने इस तरीके से किया तो ये इसका जो पावर रहता है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। COVID-2019 को हम लोग कॉम्बैट कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको हम लोग मजबूत बना रहे हैं, ये आपके ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ में इसका इफेक्ट आएगा जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है ना, सब पे इसका इफेक्ट होगा। ये ब्रह्म मुद्रा थोड़ा और कर सकते हैं, ब्रह्म मुद्रा, ठीक है, और 10 times कर लेंगे हम लोग। हाँ जी जी, एक दूसरे के तरफ, एंड देन वी स्टार्ट ब्रह्म मुद्रा, हम 10 times फिर से करेंगे, ओके जी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 breathe in, breathe out, 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 धीरे से अपनी आंखें खोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सुख का आनंद हो रहा है, ये काफी हल्का महसूस करवा रहा है अपने माइंड को, अपना बॉडी को, काफी ऐसे लाइट महसूस हो रहा है। कोई तो पार्टिसिपेंट बोल रहा है कि मेडिटेशन टेक्निक बताइए, दिस सेशन वाज रिलेटेड टू ब्रीदिंग मेडिटेशन, ठीक है, आप मेडिटेशन आई थिंक समझ नहीं पाए कि क्या होता है, ये तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि मेडिटेशन में आप अपने माइंड को ही काम करते हैं जी, इस मुद्रा को, ये चारों मुद्रा चिन्ह चिन्मय आदि और ब्रह्म मुद्रा को टूल के जैसे यूज करके आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, बिकॉज मेडिटेशन का अल्टीमेट एम जो है आपका बॉडी माइंड और सोल को काम करना है, ठीक है, right. तो ये मुद्रा से है ना, आप एक्चुअली मेडिटेशन ही है, इसको मेडिटेशन बिकॉज अब जब आप ये चारों एक साथ करो, ये चारों जब आप मुद्रा एक साथ करो है ना, 40 times कर लिया होगा एक बार आपने चारों, और फिर आप आपकी आंखें खोलो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, एकदम जो बोलते हैं ना ब्रह्मानंद जिसको हम लोग बोलते हैं उसका एहसास नहीं हुआ तो आई थिंक
मेरा नाम चेंज कर देना. वो तो अभी ऑलरेडी आई थिंक सभी लोगों को काफी हल्का महसूस हो रहा होगा अपने मन में, अपने माइंड में सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले तो प्राण आता है. सबसे पहले तो हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, कि पार्टिसिपेंट्स के कुछ सवाल हैं, तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए. और मैं पहले बता, जैसे पहले बता चुके हैं कि जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, तो आपको कोई रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क. एवरीबडी इज आस्किंग सर दैट वी हैव टू ब्रीद फ्रॉम नोज. यस यस यस, नोज से ही ब्रीदिंग करना है ना, नोज से ही इनहेल और नोज से ही एक्सहेल करना है. माउथ का कोई भी रोल नहीं है. योगिक ब्रीदिंग नाम है इसका, योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं हम लोग इसको. कैन यू सर टेक नेक्स्ट क्लास ऑन प्राणायाम? प्राणायाम इतना जल्दी नहीं ले सकते हैं. प्राणायाम ये जो अभी हमने एक्सरसाइज की, बहुत ही बेसिक लेवल का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और यही आपको इतना फायदा देगा. ठीक है, देखो प्राणायाम जैसे पूजा बता रही थी कि अगर हम है ना कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब सीखते हैं और अगर उसको गलत कर रहे हैं है ना, तो उसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है. तो प्राणायाम में देखो, मैंने आपको बीच में कहा था कि हमें जब इनहेल करना है तो हमें सांस रोकनी नहीं है. तो पहले तो समझ लीजिए प्राणायाम होता क्या है. ठीक है, प्राणायाम इज लाइक व्हेन यू इनहेल और आप जब उसको रुकाते हो, जिसको हम लोग कुंभक बोलते हैं, ठीक है, वो प्राणायाम होता है. और फिर आप एक्सहेल करते हो. तो जब आप इनहेल करके रोकते हो उसको बोलते हैं अंतरिक कुंभक, और जब एक्सहेल कर देते हो और फिर भी आप एक जगह बोलते हैं रुकाते हो उसको, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है उसके रुकाने की. हर एक डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टेक्निक्स दी हुई है, तो उसको बाहरी कुंभक बोलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ ब्रीदिंग और मेडिटेशन टेक्निक्स होती है प्राणायाम. ठीक है, तो किसी का भी अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है मेरा स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये आप कर लीजिए है ना, मेरे हिसाब से आपका सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे. मैं खाली इतना वापस बोलूंगा आपको कि ये कोई भी चमत्कार या रातों रात इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा. हाँ, आपको आपका माइंड तुरंत तुरंत ये करने के बाद तुरंत काम हो जाएगा. और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड. किसी ने मिलन जी ने एक सवाल पूछा है, हाउ टू मेक द माइंड ब्लैंक ड्यूरिंग मेडिटेशन. ये सर आपने डेफिनेटली जवाब देना चाहिए, हाउ टू मेक द माइंड ब्लैंक ड्यूरिंग मेडिटेशन. तो मैं आपको यही कहूंगा कि मेडिटेशन में आप करते क्या हो सकते पहली बार. ठीक है, क्योंकि देखो मेडिटेशन है इतना कॉमन वर्ड हो गया है ना. एक्टिविटी मैं एक्चुअली ऐड करना चाहूंगी सर उससे पहले कि द रीजन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, आप मेडिटेशन से पहले हाउ डू यू प्रिपेयर योर माइंड योर बॉडी, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. ये आपको जो मुद्रा बताया जा रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं एक लेवल तक स्थिर करता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है. राइट सर? यस यस राइट. तो मैं बोल रहा हूँ देखो, इसमें ना अभी लेवल बोलना भी गलत रहेगा, बिकॉज ना ऐसा ना कोई भी ना बुक्स में ना लेवल वन लेवल टू, जैसे इंग्लिश की बुक में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्चुअली वेस्टर्न वालों ने बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है हमारा लेवल्स के ऊपर. ऐसा कोई लेवल्स नहीं होती है. एक 5 साल का भी जो लड़का रहता है ना, वो भी स्पिरिचुअली इतना आगे हो सकता है 60 साल की उम्र के जो आदमी रहते हैं उनसे. किसी ने पूछा है कि हाउ विल बी द सिटिंग पोजीशन. देखो सिटिंग पोजीशन जैसे मैंने ली थी उसको बोलते हैं वज्रासन. ठीक है, तो वज्रासन इज द बेस्ट आसन टू डू दैट, बट अगर आप कर सको तो दैट इज द बेस्ट, दैट इज रिकमेंडेड. लेकिन आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, जैसे नॉर्मल पालती बैठ के हम लोग बैठते हैं उसको सुखासन बोलते हैं, उसमें भी बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चेयर पे बैठ के करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, बस खाली मुद्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. लेकिन अगर आपको आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी अगर स्ट्रेंथन करना है, तो वो जो मैंने जो मुद्रा कही है वज्रासन, ठीक है, तो उसमें अगर बैठेंगे तो वो भी आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा. तो होल बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस एक ही साथ में, बोलते ना एक ही तीर से सब निशान साधेंगे हम, तो वो इस तरीके से हो जाएगा. बट अगर नहीं भी जम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग को मेन तो कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग पे करना है ना. धीरे धीरे आप कर सकते हो. आप अगर नॉर्मल सुखासन में भी बैठेंगे,
यस 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 मॉर्निंग तो मैं रिकमेंड ही कर रहा हूँ, जैसे ही आप अगर उठते हो तो आई थिंक अब कुछ नहीं करके सिर्फ ये भी किया ना आपको कि आपका एक्चुअली आई एम टेलिंग कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट व्हाट यू कैन डू एवरी डे. यू कैन गिव योरसेल्फ एवरी डे. दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट यू विल गिव टू योरसेल्फ. यहाँ से आपका जो सेल्फ लव का जो जर्नी है वो भी स्टार्ट होगा. ठीक है, राइट. बहुत लोग है ना जिनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो वो ना किधर तो चिड़चिड़पन हो रहा है उनका, यार मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चले जाएगी. है कि स्लीपलेसनेस है कुछ लोगों को तो हाँ पता है, पता है मुझे, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना आपको ये ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी. बट है ना मैं कोई भी चीज को ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज ये योग है, योग के थ्रू फंडामेंटली ये जड़ से निकालता चीजें, तो इट विल टेक टाइम, है ना. तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को एक आंकड़ा देना है दिन के लिए कि कितना दिन करेंगे तो उसके बाद में आपको एक ठोस सबूत मिलेगा कि आपके इसमें सच में लाइफ में चेंजेस हो रहा है, तो आई विल टेल 90 डेज. ठीक है, इफ नीड इज पेंडिंग देन कैन इट इज एडवाइजेबल टू सिट इन वज्रासन. वज्रासन में आप बैठो तो दैट इज द बेस्ट आसन. ये ही एक आसन है वज्रासन. आप खाना खाने के बाद में भी बैठ सकते हो. बिल्कुल, खाना खाने के बाद वज्रासन में, मैं तो रिकमेंड करूंगा वज्रासन में बैठना चाहिए खाना खाने के बाद में. बिल्कुल, बेस्ट खाना हजम होता है, हजम हो जाता है. यस यस यस, तो वज्रासन इज द बेस्ट पोस्चर, है ना. और ये जो हमने जो आज ब्रीदिंग की उसके लिए भी बेस्ट पोस्चर है ना. बट मैं फिर से आपको यही करूंगा बिकॉज देखो क्या होता है ना, आपका माइंड है ना बहुत छलिया है, तो ना अरे नहीं सचिन सर ने तो वज्रासन बेस्ट बोला था, मेरे से तो हो नहीं रहा, छोड़ो जान दो, जब मेरा वज्रासन होगा तब मैं करूंगा. तो मैं इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप वज्रासन में बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो, मेरे को कुछ भी सुनना नहीं है, करना है आपको ये रोज करना है. उठने के बाद करो, किसी को अगर नहीं हो रहा उठने के बाद चलेगा, शाम को करो, ऑफिस से आने के बाद में करो, है ना. खाली मेरा इतना ही प्रिकॉशन जो मैं आपको वापस से देना चाहूंगा कि हैवी मील के बाद में मत. बिल्कुल, हैवी मील के बाद अगर आपने वेजिटेरियन डाइट है तो 4 आवर्स के बाद में, नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो 6 to 8 आवर्स के बाद में आप करो, थोड़ा सा प्रिकॉशन. इसीलिए देखो हम लोगों ने जो टाइमिंग रखा है 6 बजे का रखा है कि अगर आपने 1 या 2 बजे भी खाना खाया है तो 6 o'clock तक मेरे हिसाब से वो डाइजेस्ट हो चुका रहता है, लाइट हो गया रहता है ना. तो मैक्सिमम टाइम हमने वो सारे प्रिकॉशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ देख के कि आज सैटरडे है, लोगों को मैक्सिमम छुट्टी है, सेकंड सैटरडे, सब कुछ मतलब इतना परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो हम कहां पे भी देखा नहीं जिधर हमने देखा हुआ है, राइट. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बाकी आपको जो मेरे अदर जो हीलिंग मोडालिटीज है जो मैंने नाम लिया था एक्सेस कॉन्शियसनेस, कोई तो पूछ रहा था, तो वो आपको जो डिटेल्स है वो आगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे, है ना, राइट. तो उसका टेंशन मत लीजिए. एंड पूजा भी आपको यूट्यूब चैनल के अभी लिंक जो चैट बॉक्स में दे देगी दोनों के. ठीक है, आप सभी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उनके मेल आईडीज जो हैं वो हैं हमारे पास. नहीं नहीं, क्या हुआ है कि शायद मेल आईडी पे आपके वो आपको चैनल की जो आईडी है यूआरएल है वो आपको भेज देंगे सचिन सर की. और बिल्कुल सारे के सारे आपको जो लिंक्स हैं सर के, सचिन सर के, वो मैं भेज दूंगी. और मेरे भी जो YouTube चैनल लिंक्स है वो भी मैं आपको भेज देती हूँ. जो मैंने आसन का बात किया, वज्रासन का बात किया है, वज्रासन में जो 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 पोस्चर में मैं बैठा था उसको वज्रासन बोलते हैं. जी, नॉर्मल चौकड़ी बैठ के बैठो ना, पालती बैठ के अगर चलेगा, किसी भी तरीके से बैठो. मैं लिटरली आपके हाथ जोड़ता हूँ, बैठो और करो. इम्पोर्टेंट इज व्हाट करना. देखो मैं ना हमेशा एक्शन पे बिलीव करता हूँ. एंड बाकी जो है ना, देखो थोड़े लेवल्स रहते हैं, मेरे को सारी चीजें बतानी है आपको, बट है ना मेरे को ना आपके माइंड को ना इतना सा भी मौका नहीं देना है आपको छलने का, क्योंकि मैं ना ये स्टेज से गुजर चुका हूँ. नहीं नहीं आज नहीं करते, आज है ना मेरा सर दुख रहा है, आज नहीं करते ना, आज मेरा पैर दुख रहा है तो आज मैं वज्रासन में नहीं बैठ सकता हूँ, आज है ना मेरा राइट हैंड दुख रहा है तो आज मैं नहीं कर सकता. अरे इतने मतलब आपने सीरियसली बोलो कि इतने बहाने बनाएगा आपका माइंड, है ना, ये छोटे छोटे बहाने, इससे आप बाहर निकलिए, उसको काउंटर कीजिए, उल्टा उसको ना दोस्त मानिए. देखो आपका माइंड ना आपका एनिमी नहीं है, एक बात याद रखिए. ठीक है, उसको अपना दोस्त बनाइए. जब तक दोस्त को बोलते ना, बोले अरे चलना अपन पिक्चर देखने चलते, वो बोले अरे नहीं नहीं अभी नहीं, तो उसको अपन किसे मनाते हैं ना, चलना यार चलते ना यार, चल मैं टिकट निकालता तेरे, चल मैं तेको पॉपकॉर्न खिला दूंगा. तो इसी तरीके से माइंड से ना कॉन्वर्सेशन करो आप. देखो अपना जो हिंदू धर्म है ना, इन्होंने इतना तरीके से बताया हुआ है कि इसके लिए देखो माइंड बॉडी और सोल ये तीनों को अलग अलग बताया गया है. तो ना इस तीनों को अगर आप तीनों को अलग अलग ट्रीट करोगे ना,
और एक्सटर्नल बॉडी के जैसे ही लोग है कि ये तीनों अलग चीज है, तो आप एक्चुअली ना उसको ना एक थर्ड पार्टी के जैसे लोग है और उसको ना उसी तरीके से बिहेव करोगे और यू विल नॉट टेक ग्रांटेड. अभी क्या हो रहा है ना कि आप अभी बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हो. यू आर नॉट ग्रेटफुल टू योर बॉडी, यू आर नॉट ग्रेटफुल टू योर सोल, यू आर नॉट ग्रेटफुल टू योर हेल्थ. जो अभी आपकी एज ऑफ नाउ कुछ भी हेल्थ है, देखो बहुत जन बोल रहे हैं मेरे को नींद नहीं आ रही. हाँ, इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, देयर आर मेनी वेज. देखो एक्सेस कॉन्शियसनेस का जो मैंने आपको बताया था, वो सेशंस लेने के बाद भी आपके जो स्लीप डिसऑर्डर्स है वो भी रिमूव हो सकते हैं, तुरंत हो सकते हैं, ठीक है. बट अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से मैंने आपको ये बेस्ट जो आपको मैंने टेक्निक सिखाई हुई है, जिसमें आपको सारी चीजें चीजों का हल दिया हुआ है. मैं इसके लिए कहा कि एक तीर से बहुत सारे निशान मारेगा ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना. आप मैंने ऑलरेडी लिंक तो दे दी है सभी को, मोटिवेटेड यंग पीपल वो चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर में. आप उसको डायरेक्टली सर्च में जाकर पे यूट्यूब के अंदर में आप सर्च पे टाइप कीजिए मोटिवेटेड यंग पीपल, उसके बाद आपको दिखेगा, तो आप उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और मेरे जो चैनल है उसका नाम है ऑल एनर्जी, सिंपल है, AllEnergies, एनर्जीज, ऑल एनर्जीज, बहुत ही सिंपल नाम रखा हुआ है. सारी एनर्जीज एक जगह आ रही है, तो उसका मतलब भी यही है ना. तो योग, एक्सेस कॉन्शियसनेस, साउंड हीलिंग है ना, और क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है. अच्छा चलो, अच्छा याद है वास्तु से. जब भी आप ये करना, बहुत अच्छा टॉपिक आया, सॉरी मैं भूल गया था, स्किप हो गया था, कि जब भी आप ये आसन में बैठो, कैसे भी बैठो ना, आई थिंक द बेस्ट पोस्चर विल बी टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट. बिल्कुल, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये याद रखना. साउथ में किसी भी हाल में फेस नहीं करना है. आप ईस्ट से करो, वेस्ट से करो, या नॉर्थ से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ फेसिंग नहीं करना है. अगर किसी को जल्दी है इस दुनिया से जाने की, साउथ फेसिंग कर सकता है ना, मतलब आपको मुक्ति पानी है तो. बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मुक्ति का द्वार है साउथ, ठीक है. तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर साउथ फेसिंग नहीं कीजिए तो दैट विल द बेस्ट. कि मैं ईस्ट को, मैं खुद जब करता हूँ तो मैं ईस्ट करता हूँ, तो ईस्ट फेसिंग कीजिए. और एक वास्तु टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि ईस्ट फेसिंग अगर आप आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट रहेगा, जिसको हम लोग हिंदी में ईशान कोण भी बोलते हैं, अगर उधर जाके बैठ के ईस्ट पे अगर आपने फोकस करके किया, तो ये जो भी आज आपने किया है उसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाएगी. आपको रिजल्ट 10 times faster आ जाएगा, 10 times faster. मैं रियली सॉरी कि मैं ये भूल गया था बताना आपको, बिकॉज मैंने वास्तु भी किया हुआ है. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये सारी जो एनर्जी है जो मैंने सीखी हुई है, इसको मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ और मैं ना ट्रायल एरर करके ना कैसे आपको ना बेस्ट दे सकूं, वो मैं करता रहता हूँ. तो बिल्कुल बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर के चक्कर में ना मेरे काफी बहुत बार प्रॉब्लम्स हुए हैं, है ना. तो क्या होता है, जब भी ना आपको सिखाने से पहले ना मुझे वो ट्रायल एरर करना पड़ता है. तो इसी के लिए आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही फिल्टर होके एक राइट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है ना. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पूजा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं ये सारी चीजें आप तक लेके जाऊँ. मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपका इतना कीमती मूल्य जो टाइम है इस दौरान, ये सबसे प्राइम टाइम रहता है 6 to 7, 7:30 आपने जो दिया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच सचिन सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू आर गिविंग अस सो मच ऑफ वैल्यू. बिकॉज जो चीजें हम लोग कहीं और सीख नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके लिए आपने एक सही तरीके से टूल्स दे रखे हमको. It was very very good. जो आपने चारों मुद्राएं सिखाई, एक तो आपने सिखाया चिन्ह मुद्रा, दूसरा आपने चिन्मय मुद्रा सिखाया, तीसरा आपने आदि मुद्रा सिखाया, और चौथा आपने ब्रह्म मुद्रा सिखाया. तो ये चारों जो थे ये बहुत ही अच्छे थे. और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी ये प्रैक्टिस कीजिए अपने घरों पे, बिकॉज ये जो टाइम है लॉकडाउन का, जो टाइम है ये अपने आपके साथ भीतर जाने का टाइम है, ना कि कहीं बाहर जाने का टाइम है. वैसे भी यहाँ पे भी हम लोग कहीं पर बाहर जा भी नहीं सकते, ये टाइम है कि हम लोग अपने आप को बेहतर करें. केवल अगर हम लोग 5% भी अगर अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी डायरेक्शन में, आई थिंक वी आर डूइंग आर बेस्ट. उससे ज्यादा ऑफकोर्स इज वेरी गुड,
5% is phenomenal. Special thanks to Fani Vijay and Tejanshu, who actually helped me with all the technical parts, with all the hosting and everything, because ye sari cheeze, glitches aur ye sab jo hain, ye in dono ne hi mujhe help kiya. And मैं लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके आप लोग आए और काफी कुछ आप लोगों ने सीखा. थैंक यू. एक चीज मैं कहना चाहूंगी आप सबको, मौत के डर से नहीं जिंदगी को फुर्सत तो मिली. मौत के डर से नहीं जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली. वाह वाह, दैट वाज वेरी गुड. थैंक यू. तो इसी पर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. या थैंक यू फानी, थैंक यू तेजांशु, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू फानी एंड थैंक यू तेजांशु. सो we'll all end the meeting now. Yeah. Thank you.